1500 रुपए में शोरूम से 25,000 का है। गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरी न्यू व्लॉग में। और जैसा कि मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में, मैं सिग्नेचर कैफे दिखाने वाला था तो वो तो इधर है, वो दिखा नहीं पाया था पिछले वीडियो में। और अभी हम जा रहे हैं मरघट वाले बाबा, तो और साथ में जा रहा है शुभम, इनका भी मोटो क्या था नाम, मोटो लॉग CSR, नाम भूल जाते हैं बाइक बाइक बाइक। देखो आज फिर हम एक इस लाइन के साथ हैं और बहुत मज़ा आएगा। अभी तो ठंड लग रही है बहुत, नहा के सुबह सुबह डेली नहाना पड़ता है यार, क्या बताएं यार। ये देखो, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। पता नहीं गाइस आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, कमेंट में ज़रूर बताना आवाज़ आ रही है कि नहीं। मैंने ना अपने हाथ के अंदर से ना अपने माइक का वायर निकाला हुआ है पूरा, और पता नहीं क्या कैसी आवाज़ आ रही होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताना ज़रूर कमेंट में। बाकी तो मैं आपको शॉर्ट्स दिखाता रहूँगा। इस वाले रोड पे आके इतना मज़ा आ जाता है ना कि एकदम पूरा प्लेन रोड होता है, हमें जमुना पार का रोड है ये। ओ बीजेपी, सुबह तिरंगे का दर्शन हो गया है, मज़ा आ जाता है लेकिन देख के अपना देश का झंडा। तो गाइस रास्ता भूल जाने के कारण हम गूगल मैप की सहायता ले रहे हैं और अब चल पड़े हैं। तो गाइस अब हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं, पार्किंग में अब बाइक पार्क करेंगे। देखो भैया ने पर्ची काट दी है। गाइस हम लिटरली अब पहुंच चुके हैं, देखो रश कितना है इधर, वो देखो हमारा झंडा। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। देखो गाइज मुझे तो इस यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैं तो क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो सारे मंदिर में से दर्शन करने के बाद सारे कचौड़ी बोलते हैं, यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है कचौड़ी। अभी हम प्रसाद लेंगे उसके बाद हम भी दिखाते हैं फिर कचौड़ी कैसी है, टेस्ट करके बताएंगे। यहाँ भी सारे नोटिस कर रहे हैं मेरे को बहुत कि क्या कर रहा है ये लड़का, पर कोई बात नहीं हम इग्नोर करेंगे। थोड़ा अपनी ऑडियंस से भी बात कर ली जाए, है ना। और अभी मैं अंदर गया, काफ़ी रश था भाई क्या बताऊँ, और इतना मतलब ज़्यादा भीड़ था ना कि ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाए थे। फिर मतलब दोबारा पीछे जाके मैं दोबारा दर्शन करे, फिर तो मज़ा ही आ गया देख के भाई। और रश तो भाई बहुत था क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो इसी वजह से ये देखो कितना रश है पीछे, है ना। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, देखते हैं। कचौड़ी खाएंगे ना सुबह, अभी कचौड़ी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, कचौड़ी कचौड़ी जरूर खाएंगे। पहले शनिदेव महाराज के दर्शन कर ले फिर कचौड़ी खाएंगे। हाँ फिर करेंगे, चलो चलते हैं अब शनिदेव महाराज के दर्शन करने, वो उस साइड है। और किसी को भंडारा करवाना हो या कुछ करवाना हो, कुछ एक्टिविटी करवानी हो तो यहाँ पे आके करवा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लिटरली भंडारे की या खाने की या कंबल की जो भी चीज़ आपको देनी है उस चीज़ की बहुत नीड है, तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो अगर आप लोग। हाँ जरूर जरूर करनी चाहिए। तो हमने शनि महाराज के दर्शन कर लिए, उसके बाद हम आ गए अब रेस्टोरेंट में। अब हम कचौड़ी ले रखी है, हमने चेक करते हैं फिर बताते हैं कैसी लग रही है कचौड़ी। हाँ आप क्या कहना चाहोगे भाई? नहीं मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, खैर इसका फर्स्ट टाइम है तो तू अपना रिव्यू दे तो ज़्यादा बेटर। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कचौड़ी बेस्ट है भैया, मैं बताता हूँ फिर। वाकई में कचौड़ी बहुत मस्त थी, और दो कचौड़ी में ऐसा पेट टाइट हो गया ना बिल्कुल, मज़ा आ गया एकदम, मज़ा बांध दिया है। देखो बंदर पीछे देखा नहीं, यहाँ तो वाकई में चीज़ काफ़ी मतलब सही मिलती है, काफ़ी मज़ा आ गया, पेट बहुत भर गया। लेकिन ये देखो पेट भर गया ना सुबह, पेट भर गया, बस अब चाय पियेंगे एक कप एंड चलेंगे फिर मस्त घर की तरफ। चलो बाकी फिर दिखाते हैं क्या होता है पूरा दिन बाकी। सुबह तो लेकिन मज़ा आ गया, लेकिन आगे सुबह की शुरुआत अच्छी हुई आज, सुबह की शुरुआत अच्छी हुई है। ये देखो क्या खा रही है, गुटखा खा रही है आंटी ये। इंडिया गेट अगर अभी पॉसिबल हुआ तो यहाँ से इंडिया गेट भी घूमते हुए जाएंगे, अगर थोड़ा डिस्टेंस देखेंगे कितने दूर है यहाँ से उसके बाद पता करेंगे। अच्छा चलो फिर देखते हैं। गाइस यही वो जगह है जहाँ पे चोर बाजार लाइट लगता है, सिग्नेचर के पास है ये, कभी आएंगे यहाँ पे भी।
रुक गए, अब यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करेंगे अब। सो गाइज, अब हम फाइनली घर आ चुके हैं और अभी के लिए तो बस इतना ही है, देखते हैं बाद में कुछ वगैरह होता है तो। और मज़ा आ गया, लेकिन भाई सुबह सुबह भगवान की तरफ निकल दो ना, ऐसा लगता है कि पूरा दिन अच्छा जाएगा ऑनेस्टली। बट ठीक है, कुछ ज़्यादा फैल गया है पर ठीक है, सब चलता है, सब चलता है और क्या। चलो तो अभी के लिए तो बस इतना ही है, देखते हैं बाद में। सो गाइज, अभी मैं मंदिर से आके जब घर जा रहा था तब रास्ते में हर्ट्स मिल गया और हर्ट्स के साथ जा रहे हैं हम सरोजनी मार्केट और वहाँ पे जाके देखते हैं किस किस प्राइस पे कैसे मिलता है सामान। और बाकी तो वहीं पे दिखाएंगे, पता नहीं हर्ट्स क्या लेगा, हर्ट्स भी लेगा ना कुछ। चलो तो देखते हैं, मैन कलेक्शन। अरे यार, मैन है तो मैन कनेक्शन ही लेगा ना, और कौन सा लेडीज़ कनेक्शन लेगा, कलेक्शन देख लेंगे प्राइस देख लेंगे इन फ्यूचर। बाकी जो बैकग्राउंड में ज़रा नॉइज़ आ रहा है वो थोड़ा इग्नोर करो। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं मेट्रो और अब यहाँ से लेंगे हम टोकन और फिर देख चलते हैं ना। हाँ, चलते हैं। बता यार, क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड बनवा ले, बैंक अकाउंट नहीं है, पैन कार्ड नहीं है यार, तो कह रहा है क्रेडिट कार्ड बनवा लो। बताओ यार, मजाक कर रहा है, तो दुख यार देखा नहीं जाता है ऐसा, क्यों बोल देते हैं लोग ऐसे। अभी वही लिफ्ट पे वो वाला प्रैंक करें जो भाग जाता है क्या करके सो गाइज, हम लिटरली सरोजनी नगर मार्केट में पहुंच चुके हैं और आते ही एक बंदा हमें परफ्यूम बेच रहा था, हमने बोला हम मुंह तो धोते नहीं है, लगाएंगे हम परफ्यूम, बताओ। ये देखो कितना रश है इधर, इधर इधर यार, यहाँ मार्केट में घुसते ही तो लड़कियों के आइटम ज़्यादा है, लड़कों के कम है यार यहाँ। हाँ, लेकिन देखते हैं कुछ मिले लड़कों के लिए। हाँ, ये शायद लड़कों का ही है शायद। ये देखो हमें घड़ी बेच रहे हैं 100 रुपये की और कह रहे हैं थोड़ा तो वेट तो थोड़ा सा सुन तो लो, और कम कर दूंगा 400 रुपये की, 200 रुपये है ना, 200। क्या प्राइस है इसका? 350। ये सिर्फ मतलब सबके 350 है, कोई सा भी लेना ब्रो, लोअर है 200 के, देख 250 रुपये। सौ सौ रुपये सेल है, जा रहा ला रहा सारा, बच्चों की नाइट ड्रेस 250-250 रुपये। कितने का है? कितना? 450। कितना? 200। अच्छा 200, यही है। कितने का है ये? हैं? 1500 रुपये में, और शोरूम से 25,000 का है। ये देखो एप्पल का ज़्यादा ओरिजिनल, चेक करा के दो खोल कर, बिल्कुल ओरिजिनल हो तो लेना, ओरिजिनल ना हो तो मत लेना दादा, ये भी देख लो। 30 रुपये ज़्यादा है ये तो यार, झूठ बोला दादा, देख कसम खा रहा हूँ, बहुत कर रहा हूँ, ज़्यादा है। लो कितना? मेरे को तो ज़्यादा। कितने देखा? मैं तो इतने ले के भी नहीं आया हूँ, और मेरे को कपड़े भी लेने। लो, अरे नहीं लूँगा यार, अरे नहीं लूँगा, नहीं, अरे नहीं लूँगा ना भगवान है तू। लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे नहीं लेना, नहीं लेना छूट जाएगा ना ना ना। कितने की है? कितने की है? 250। हाँ एक ये भी ठीक है, कलर कलर। गाइस यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन बहुत भीड़। गाइस लेकिन यहाँ पे लड़कों का सामान जल्दी मिलता नहीं है, मैं जब से साइड वाला बैग लेने के लिए ढूंढ रहा हूँ मिला ही नहीं है, जब से ऐसे ही भटक रहे हैं बस। गाइस अमरूद देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, जंगली अमरूद। फाइनली अब शॉपिंग हो चुकी है हर्ष ने, तो 3 या 2 जीन्स लिए और एक वॉच ली है, मैंने तो साइड वाला बैग लिया है, देख रहे हो सही लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो तब भी मत बताना, मुझे पता है। तो गाइस अभी पता है क्या हुआ, हम मेट्रो में आ रहे थे और जैसे डोर ओपन हुआ हर्ट्स बाहर चला गया और फिर मैं तो अंदर ही रह गया, मुझे पता नहीं था कि वहीं पे उतरना है, मैं तो आगे निकल गया कि स्टेशन और हर्ट्स पीछे रह गया जहाँ पे उतरना था। और फिर मैंने वहाँ पे किसी से फ़ोन करवाया, उसके बाद पता लगा वहीं स्टेशन पे बैठा हुआ है, फिर मैंने इसे बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, वहीं पे बैठा रही हो, मतलब अभी तो बिल्कुल बिछड़ ही गए थे दोनों ये तो डर गया बेचारा।
वो खुद गया, मेरा नाम ले रहा है, गलत स्टेशन पे ये उतरा था मैंने। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। अरे चश्मा लगा हुआ है ना, चार आंखें हैं मेरी, दिखता नहीं है। सो गाइस, अब मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और बहुत बुरी तरह थक गया हूँ आज, और अब मैं दवाई वगैरह खा के सो जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। वो कहते हैं ना, वो एकल दांत पता नहीं हमारे में तो यही कहते हैं, आपके में क्या कहते होंगे, तो वो आ रहा है मेरे, तो वही बुखार वगैरह और सर में दर्द रहता है बहुत। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले वीडियोस में और बढ़िया बढ़िया मतलब कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय।